नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के एपिसोड के माध्यम से हम सभी जानते हैं कि आप जो दूध पी रहे हैं वह मिलावटी है या शुद्ध है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसी बारे में आज हम सभी इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आएँ नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलें। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस एपिसोड के माध्यम से दूध के बारे में। कहीं आपके घर में लाया जाने वाला दूध मिलावटी तो नहीं है? सभी को क्वेश्चन जो है सताता रहता है, कहीं आप मिलावटी दूध तो नहीं पी रहे हैं? अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो आज सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य पर मंडरा रहा है मिलावटी दूध का खतरा। मिलावटी दूध जो होता है शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। कैसे पहचानेंगे? अब तक आपने दूध में केवल पानी की मिलावट के बारे में सुना होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि दूध को सफ़ेद और गाढ़ा बनाने के लिए आजकल साबुन, डिटर्जेंट और बेहद हानिकारक केमिकल्स का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। आपने देखा भी होगा न्यूज में, बहुत सारी कंपनियां पकड़ी भी गईं पीछे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिलावटी दूध और असली दूध में फर्क समझ पाना आपके लिए बेहद मुश्किल है, और इस तरह से बनाया जाने वाला नकली दूध आपकी सेहत को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इससे बचने के लिए आपको नकली दूध को पहचानना बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मिलावटी दूध को आखिर कैसे पहचाना जाए? आपके सवाल का जवाब छिपा है, आइए बताते हैं कैसे पहचानेंगे आप सभी इस एपिसोड में। जी हाँ, सबसे पहले दूध में पानी की मिलावट को परखने के लिए किसी लकड़ी या पत्थर पर दूध की एक या दो बूंद गिराइए। अगर दूध बह करके नीचे की तरफ गिरे और सफ़ेद निशान बन जाए तो दूध पूरी तरह से शुद्ध है। दूध में डिटर्जेंट की मिलावट को पहचानने के लिए दूध की कुछ मात्रा को एक कांच की शीशी में लेकर के जोर से हिलाइए। अगर दूध में झाग निकलने लगे तो इस दूध में डिटर्जेंट मिला हुआ है। अगर यह झाग देर तक बना रहे तो दूध के नकली होने में कोई संशय नहीं है। इसके अलावा दूध को सूंघ करके देखें, अगर दूध नकली है तो उसमें साबुन की तरह गंध आएगी, और अगर दूध असली है तो उसमें इस तरह की गंध नहीं आती है। दूध को दोनों हाथों से लेकर के रगड़ कर देखें, अगर दूध असली है तो सामान्य तौर पर चिकनाहट महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर दूध नकली है तो इसे रगड़ने पर बिल्कुल वैसी ही चिकनाहट महसूस होगी जैसी कि डिटर्जेंट को रगड़ने पर होती है। इसके अलावा दूध को देर तक रखने पर असली दूध अपना रंग नहीं बदलता है, जबकि दूध अगर नकली है तो वह कुछ समय बाद पीला पड़ने लगेगा। असली दूध को उबालने पर उसका रंग बिल्कुल नहीं बदलेगा, लेकिन नकली दूध का रंग उबलने पर पीला हो जाएगा। सिंथेटिक दूध में अगर यूरिया मिला हुआ है तो वह गाढ़े पीले रंग का हो जाता है। स्वाद के मामले में असली दूध हल्का सा मीठा स्वाद लिए हुए होता है, जबकि नकली दूध का स्वाद डिटर्जेंट सोडा मिला होने की वजह से कड़वा हो जाता है आप उबाल करके छोड़ देते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें और दूध जो लें वो शुद्ध लें, ये ध्यान रखें, क्योंकि आप इतना पैसा खर्च करके एक तो दूध लेते हैं, ऊपर से वो शुद्ध ना रहे तो शरीर को फायदे की जगह बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए। कैसा लगा ये एपिसोड आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी हमें लिख भेजें, हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियोज अवश्य बनाएंगे। और जाते जाते आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स अवश्य करें, ताकि अन्य ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुँच पाए। और ये तभी संभव है जब आप सभी लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करेंगे। आपका एक लाइक एंड शेयर कमेंट बहुत सारे लोगों को लाभान्वित कर सकता है, लाभ पहुंचा सकता है, तो कर दीजिए। इसके बाद मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।